भारत में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश तो नहीं रचने वाला था, ऐसा ही कुछ अनुमान हाल ही में हुई एक घटना को देखते हुए लगाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा 488 लोगों के लिए भारतीय वीजा के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से मात्र 249 पाकिस्तानियों को ही भारत ने वीजा दिया है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार 200 से अधिक पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों का वीजा भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वीजा के लिए आवेदन किए गए लोगों में से 6 पाकिस्तानी अधिकारी थे, जिनका काम अजमेर शरीफ आने वाले लोगों की देखभाल करना था। ऐसे में भारत ने इन 6 लोगों में से मात्र एक ही पाकिस्तानी अधिकारी को वीजा दिया है। आपको बताएं तो भारत में पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने के लिए बड़ी ही सतर्कता और छानबीन की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना आम लोगों को छोटे मोटे लालच देकर भारत में जासूसी करवाती है। भारतीय सेना ने राजस्थान से सटी सीमाओं और गांवों में कई सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी सेना से साझा करते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर पाक फौज के पास एक जासूसी का बड़ा नेटवर्क है। अक्सर भारतीय सेना इन्हें बॉर्डर से पकड़ती रहती है। ये जासूस भारत आते हैं और आम लोगों की तरह ही रहते हैं। यहाँ से ये जासूस खुफिया और संवेदनशील जानकारियाँ पाकिस्तान भेजते हैं। भारत में चोरी छिपे रहकर पाकिस्तानी सेना के लिए काम करने वाले इन लोगों को ही स्लीपर सेल कहा जाता है। इतना ही नहीं, पाक खुफिया एजेंसी कई बार एजेंट्स बनाने के लिए भारत में ऐसे लोगों से संपर्क करती है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। हालांकि मौजूदा वीजा के एप्लीकेशन क्यों खारिज किए गए हैं, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दोनों देशों की तरफ से साझा नहीं की गई है। आपको बताएं तो पाकिस्तान से मुस्लिम तीर्थयात्री भारत में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत आमिर खुसरू जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आते हैं। भारत से भी लोग करतारपुर साहिब और अन्य प्राचीन गुरुद्वारों और मंदिरों के दर्शन करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों में स्लीपर सेल के भारत पहुंचने का खतरा भी ज्यादा होता है। हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।